सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं यूज करूँगा पीवीसी का पाइप जिसका मोटाई 2 इंच है, तो इसका एक बॉक्स टाइप बनाऊंगा तो मैं बनाकर मिलता हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको हिट करके इस टाइप का शेप दे दिया है एंड बहुत अच्छा भी लग रहा है। आप चाहें तो एक एक पीस कट करके भी बॉक्स बना सकते हैं, बट इस तरीके से बहुत ईजी है, फेविकिक भी नहीं लगेगा, सीधा हिट कीजिए एंड इसको बना दीजिए। एंड इसका करते हैं ये कि यहाँ का इस बगल का ढक्कन इसका, तो फटाफट से यहाँ पर मैं एक यूज करूँगा ये पीवीसी का पाइप एंड मैं इसको इस पर रख कर मार्किंग कर लूँगा। करना है मैं अब इस पीवीसी पाइप के शीट में करूँगा, तो मैं बता दूँ कि इसमें मैं क्या क्या कंपोनेंट यूज करने वाला हूँ। इसको नॉर्मल चार्जर को बनाना नहीं है, तो चलिए फटाफट से मैं कंपोनेंट आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यूज करूँगा ये चार्जिंग किट जो कि मैंने पिछली वीडियो में दिखा दिया है आपको, इसका कनेक्शन मैंने किस तरीके से किया है एंड ये मुझको 20 रुपये पड़ा है, मार्केट से लिया है मैंने। आप भी अगर घर में कोई ख़राब चार्जर हो तो उसका सर्किट भी निकाल सकते हैं, बट अगर ना हो अलग से भी आप इसको लगा सकते हैं। मैं यूज करूँगा 4 LED लाइट्स जो कि 5 वोल्ट पर चलती हैं, देख सकते हैं यहाँ पर मैं चार LED लाइट्स यूज करूँगा एंड यहाँ पर एक स्विच यूज करूँगा, बैट स्विच जो कि आप देख सकते हैं वो स्विच है एंड फटाफट से मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूँ एंड उसके बाद से आप लोगों को इसका कनेक्शन मैं समझा देता हूँ। कंप्लीट कर दिया है एंड मैं इसका कनेक्शन आप लोग को समझा दूँ, तो ये देख सकते हैं आप नेगेटिव यानी माइनस, ये नेगेटिव वाला पिन जो है यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से ले गया हूँ एंड यहाँ पर ये चार्जिंग सॉकेट का नेगेटिव यानी माइनस वाले पिन में यहाँ पर मैंने कनेक्टेड कर दिया है ये माइनस वाला। यहाँ पर चारों का चारों यहाँ पर पॉजिटिव देख सकते हैं, यहाँ पर एक साथ मैंने कनेक्टेड कर दिया जिसका पॉजिटिव पिन यहाँ पर प्लस वाला यहाँ आ गया है एंड ये जो देख सकते हैं यहाँ पर ये डाटा केबल सॉकेट, तो इसमें ये 2 पिन आप कनेक्टेड मत कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है कनेक्टेड करने का, ये सिर्फ ये 2 वाला प्लस एंड माइनस। तो देख सकते हैं ये नेगेटिव वाला पॉइंट देख सकते हैं ये डायरेक्ट नेगेटिव यानी माइनस में चला गया है एंड ये पॉजिटिव वाला माइंड यानी पॉजिटिव में, ये पूरा टोटल पॉजिटिव यानी प्लस है एंड ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक नेगेटिव यानी माइनस है। तो आप इस तरीके से इसका कनेक्शन कर सकते हैं, तो इसका देख सकते हैं ये पॉजिटिव यहाँ एंड नेगेटिव यहाँ, तो एंड ये मैंने बीच में एक स्विच लगाया है कि लाइट अगर आप चाहें तो जलाएं और चाहें तो बंद कर दीजिए, क्योंकि जलता रहेगा तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ पर आप स्विच लगा सकते हैं, कोई सा भी स्विच लगा सकते हैं एंड ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 वायर छोड़ा है, तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पर कनेक्टेड कर दिया है एंड यहाँ से मैं 240 वोल्ट इसमें दूँगा, तो आप इधर से 240 वोल्ट दीजिए एंड इधर से DC 5 वोल्ट ले लीजिए एंड चलिए फटाफट से मैं इसको अब पैक कर देता हूँ एंड आगे का प्रोसीजर वीडियो में बने रहिए, मैं सब बताऊँगा।
यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको चिपका भी दिया है एंड बहुत अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पर जो मैंने स्विच छोटा वाला यूज किया था गलती से उसमें फेविक्विक चल गया चिपकाते समय, जिस वजह से वो स्विच ख़राब हो गया था। यहाँ पर मैंने दूसरा छोटा सा मिनी स्विच यूज किया है, बैड स्विच देख सकते हैं यहाँ पर, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। एंड अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इस डायरेक्ट एसी में कैसे कनेक्टेड कर देंगे। यहाँ पर एक प्लग लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं यूज करूँगा एक ख़राब चार्जर का प्लग, तो मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैं इसमें उसको फिक्स करूँगा। सो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये वाला एक चार्जिंग का मैंने कट कर लिया है सॉकेट, देख सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग प्लग कहेंगे इसको। एंड यहाँ पर मैं इसको दिखा दूँ किस तरीके से फिक्स करना है, तो देख सकते हैं यहाँ पर फिक्स करने पर यहाँ पर ये इसका जो पिन है दोनों ये नहीं इसमें आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा अब इसका जुगाड़ लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं लंबा सा थोड़ा यहाँ से कट कर दूँगा जिससे कि ये अंदर इसके अंदर फिक्स हो जाए। तो चलिए फटाफट से कट करके एंड सोल्डिंग करके मिलता हूँ आपसे। फाइनली फ्रेंड्स देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर एक कटिंग टाइप का बना दिया, सोल्डिंग आयन से ही मैंने कट किया है इसमें। एंड ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दोनों सोल्डिंग कर दिया है दोनों तरफ। एंड फटाफट से मैं इसको इस तरीके से देख सकते हैं इसमें इस तरीके से चिपका दूँगा बिल्कुल सेंटर में, इस तरीके से देखिए बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से चिपकाना है। देख सकते हैं गाइस कि बिल्कुल अच्छी तरीके से चिपक गया है। एंड अभी इसको नहीं टेस्ट करेंगे, इसको पहले मैं पेंट कर लेता हूँ एंड उसके बाद से इसको टेस्ट करेंगे, थोड़ा पेंट कर लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। एंड चलिए बिल्कुल रियल चार्जिंग का लुक का लग रहा है, ये LED लाइट्स एंड ये स्विच कुछ अलग ही यूनिक लग रहा है, तो प्रोफेशनल टाइप चार्जर लग रहा है। तो फटाफट से मैं इसको पेंट कर लेता हूँ एंड उसके बाद से इसको टेस्ट करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स मैंने इसको फाइनली पेंट कर दिया एंड बहुत अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है जैसे मार्केट से लाया हुआ चार्जिंग है, सीरियसली कोई भी देख कर ये नहीं कहेगा कि घर पर बनाया गया है एंड बहुत अच्छा लग रहा है। तो फटाफट से मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ। एंड गाइस मैंने इसका साइज़ आप लोगों को नहीं बताया है, बट आप लोग अपने हिसाब से इसका साइज़ रख सकते हैं, जैसा आप मॉड्यूल लें चार्जिंग किट जैसा लें आप वैसा साइज़ रख सकते हैं, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका साइज़। तो इसका साइज़ एक मिनट, सो गाइस इसका साइज़ है यहाँ तक लेकर, यह है 5 सेंटीमीटर देख सकते हैं यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर 1-2 mm ज़्यादा है बस। एंड इसका ये चौड़ाई का बात कर दूँ तो 2.5 सेंटीमीटर है देख सकते हैं। एंड ये लंबाई, इसका लंबाई यही कुछ है तो 5-6 सेंटीमीटर, तो बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है एंड ज़्यादा छोटा भी नहीं है, बट बहुत अच्छा काम करेगा गाइस। एंड अब फटाफट से मैं इसको चेक करके दिखा दूँ, तो चलिए फटाफट से इसको टेस्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये चार्जिंग हाथ में ले लिया है एंड यहाँ पर ये बोर्ड जिसको मैंने बना रखा है एंड इसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख सकते हैं क्योंकि मैं अभी तक इसको यूज़ करता हूँ। एंड इसका ये LED लाइट ख़राब हो गया है, ये पता नहीं किस तरीके से ये जल गया है ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से, बट अभी भी ये बोर्ड बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। एंड चलिए फटाफट से मैं इसको लगा कर इसमें टेस्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ देख सकते हैं स्विच ऑफ है एंड लगा देता हूँ, देखिए यहाँ पर कोई भी अभी नहीं दिखा रहा है LED लाइट, बट यहाँ पर जैसे ही स्विच ऑन करूँगा तो यहाँ पर रेड LED बढ़ जाएगी, अंदर ग्लो करेगी देख सकते हैं। थोड़ा जूम, एक मिनट गाइड्स दिखा रहा हूँ आप लोग को, शायद आप लोग को दिख रहा होगा, एक मिनट देखिए दिख रहा होगा आप लोग को, रेड LED ग्लो कर दिए गाइस। अब देखिए मैं इसको ये LED लाइट नहीं फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर मैंने एक फैन रख रखा है यहाँ पर, तो इसको मैं फटाफट से चला कर दिखा दूँ आप लोग को। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं डाटा केबल एंड मैं इसको इसमें कनेक्टेड कर देता हूँ। एंड ये फैन भी मैंने बना रखा है, तो इसका भी वीडियो लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर बना कर देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अभी तक मैं इसको यूज करता हूँ, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है एंड फटाफट से मैं इसको इसमें कनेक्टेड कर दूँ। तो यहाँ पर ये कनेक्टेड हो गया था एंड आप देख सकते हैं वहाँ पर देखिए LED ग्लो कर दी है, देख सकते हैं यहाँ पर आप वो रेड LED ग्लो हो गई है। यहाँ पर मैं स्विच ऑफ़ करता हूँ, देखिए बंद हो गया, फिर से ऑन करता हूँ ऑन हो गया, तो अभी बहुत अच्छा तरीके से ये हो रहा है। एंड यहाँ पर मैंने इसमें कनेक्शन कर रखा था कि डायरेक्ट बिजली से एंड या फिर चार्ज करेंगे तो डायरेक्ट चार्जिंग से चलेगा, बैटरी ऑफ है। एंड अब मैं डायरेक्ट इससे चला कर दिखाता हूँ, देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरीके से ये चल रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको निकाल देता हूँ एंड अब फटाफट से मैं इसका लाइट आपको चेक करा कर दिखा दूँ। तो देखिए इसका LED लाइट, तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से कितना अच्छा ग्लो कर रहा है गाइस। एंड अभी नहीं, मैं इसको पहले अपने रूम में यहाँ पर अंधेरा कर देता हूँ एंड उसके बाद से आप लोग इसको चलाकर दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पूरा अंधेरा कर दिया, आप लोगों को भी कुछ नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ चार्जिंग का LED लाइट दिख रहा होगा। यहाँ पर ऑफ करके दिखा दूँ, देखिए चार्जिंग का LED लाइट अब बंद हो गया, फिर से ऑन कर देता हूँ, चार्जिंग का LED लाइट ग्लो कर दिया। एंड यहाँ पर मैं स्विच ऑन करता हूँ इसका, देखिए कितनी अच्छी तरीके से ग्लो कर रहा है। एंड आप देख सकते हैं, देखिए कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर ये रोशनी कर रहा है। यहाँ पर मैं इसको ऑफ़ कर दूँ,
देखिए पूरा ख़त्म, अंधेरा हो गया। एंड फिर से ऑन कर देता हूँ, बहुत अच्छा ये ब्राइट कर रहा है गाइस, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एंड बहुत अच्छी तरीके से ये ग्लो भी कर रहा है। तो फटाफट से मैं इसको ऑफ कर देता हूँ एंड आई होप गाइस आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी एंड वीडियो में कुछ सीखने, कुछ समझने, कुछ बनाने को मिला होगा। तो ऐसी बातें कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड जो कीजिएगा सेफ्टी के साथ। सो बाय बाय।